स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल टी20 मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई पे, और यह मैच शाम के 7:30 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पे 11 मई को राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, प्लस मेरे पास आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज हैं। तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पिच रहेगी डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई की, इस तरह से आपको दिखेगी। इस पिच की खासियत क्या है, ये पिच है ना दोस्तों बैटर फ्रेंडली पिच है, और थोड़ी सी अपन कह सकते हैं आईपीएल के अंदर जो सबसे स्लो पिच है ना वो भाई साहब डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच है। तो यहाँ पे बॉल रुक के आती है, बड़ी यहाँ पे बाउंड्री डायमेंशन रहती है। तो दोस्तों एक अच्छा मैच आपको फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे भी दोस्तों पिच के ऊपर ग्रास छोड़ा जाता है नहीं छोड़ा जाता। लास्ट मैच के अंदर न्यूट्रल पिच थी, यहाँ पे स्पिनर्स को भी मदद मिली थी और पेसर्स को भी थोड़ी बहुत मदद मिली थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ जान देनी है, अभी तक इस सोनी के ऊपर डीवाई पाटिल स्टेडियम के ऊपर 18 मैच खेले जा चुके हैं। जो टीम बैट फर्स्ट करी है 8 मैच जीती है, जो टीम चेस करी है भाई साहब वो 10 मैच जीती है। तो कह सकते हैं दोनों टीम्स को दोस्तों मदद मिलती है, चाहे आप बैट फर्स्ट करो चाहे आप बैट सेकेंड करो। ड्यू फैक्टर भी दोस्तों ना के बराबर है फिलहाल। तो आप पिच यहाँ पर देख सकते हो, बढ़िया पिच, रन बनते हैं यहाँ पर। और आपको क्लोज व्यू से पिच को देखना है तो आप देखो ये, ठीक है, ये तो आपको पूरा स्टंप माइक से पूरा जो व्यू रहता है ना दोस्तों, ऐसा थोड़ा सा व्यू है ये देखो आप यहाँ से, ठीक है, ये अपना पूरा पिच का एकदम अच्छे से फोटो आपको दिखेगी। तो आप पिच को वहाँ पे देख सकते हो, जो लास्ट मैच हो तब के दोस्तों पिच की फोटो, हल्की हल्की ग्रास की लेयर है और थोड़े से दोस्तों रफ सर्फिस बने हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो थोड़े थोड़े। आपके लिए और जूम करता हूँ मैं, ये देखो हल्के हल्के ऑफ स्टंप के बाहर, चाहे राइट यू चाहे लेफ्ट यू दोनों के लिए थोड़े थोड़े यहाँ पे रफ सर्फिस है। बैटिंग स्ट्राइक रेट्स एट डिफरेंट वेन्यूज मैच है, डीवाई पाटिल के ऊपर सबसे कम दोस्तों यहाँ पे जो बैटिंग स्ट्राइक रन रेट है ना वो बनता है डीवाई पाटिल के ऊपर 125.3 का है, एमसीए पुणे के ऊपर 128.5 है, वानखेड़े के ऊपर 128.9 है, वो ब्रेबॉर्न के ऊपर भाई साहब 139 है, डीवाई पाटिल के ऊपर 125 है। बॉलिंग इकोनॉमी बॉलर्स की दोस्तों सबसे ज़्यादा कुटाई कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा कुटाई होती है पुणे के ऊपर, पुणे नहीं है क्षमा चाहता हूँ, ब्रेबॉर्न स्टेडियम के ऊपर 9.17 यहाँ पे इकोनॉमी रहती है प्रति ओवर के अंदर। और आप देखोगे वानखेड़े के ऊपर 8.52 है, वहीं जहाँ पे मैच हो रहा है डीवाई पाटिल के ऊपर इतनी कुटाई नहीं होती है 8.35 है, वहीं पुणे के ऊपर 8.24 है, ठीक है। बॉलिंग्स की इकोनॉमी जो बॉलर्स बॉलिंग करते हैं ना, अब स्पिन बॉलिंग इकोनॉमी बाय वेन्यू, स्पिनर्स को दोस्तों सबसे ज़्यादा मदद कहाँ मिलती है, कहाँ रन सबसे कम खाते हैं, तो डीवाई पाटिल के ऊपर सबसे कम रन खाते हैं 7.5 की यहाँ पे इकोनॉमी है, वानखेड़े के ऊपर 7.74, पुणे के ऊपर 7.9, वहीं ब्रेबॉर्न के ऊपर 8.27 की यहाँ पे बॉलिंग्स की इकोनॉमी है बाय वेन्यू। चलते हैं डेथ ओवर के अंदर कौन कैसी पिटाई खाता है, तो अब ध्यान देना है डेथ ओवर के अंदर सबसे दोस्तों अच्छी गेंदबाजी करती है यहाँ पे SRH, पिटाई के मामले में नहीं विकेट्स के मामले में बात कर रहा हूँ मैं। ये मैच है दिल्ली का, ये आपको पता ही है। तो देखो दिल्ली कहाँ पर डेथ ओवर के मामले में एकदम निचले स्थान पर, थोड़ी सी दिक्कत है इस टीम को। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से टीम अपने आप को रिकवर करके आती है। पंजाब भी दोस्तों उसी के बगल के अंदर है साइड में, ठीक है। अब देखो पावर प्ले के अंदर कौन कैसा खेलता है, पंजाब के पास दोस्तों शिखर धवन है, जॉनी बैरिस्टर है, तो सेकंड पोजीशन के ऊपर है टीम। वहीं बात करते हैं किसकी, दिल्ली की, भाई साहब फर्स्ट पोजीशन पे अगर पृथ्वी शॉ आ जाते हैं ना तो मज़ा आ जाएगा एकदम दिल्ली को डेट ओवर के साथ। चलते हैं दोस्तों रन्स पर ओवर है डेथ ओवर में कौन कितनी बार खाता है, 16 से 20 ओवर के अंदर वानखेड़े के ऊपर 12 रन प्रति ओवर बनते हैं डेथ में, ब्रेबॉर्न के ऊपर 11 के आसपास बनते हैं, पुणे के ऊपर 10.8, वेंडिया पटेल के ऊपर 9.94 डिसमिसल्स बाय शॉर्ट डिलीवरी। पंजाब को शॉर्ट बॉल से थोड़ी दिक्कत होती है। अब देखो पुणे की पिच बहुत पेस्ट विकेट है, वहीं वानखेड़े सेकंड पेस्ट विकेट है गति इस पिच के अंदर। बात करेंगे दोस्तों किसकी, बाउंड्री डायमेंशन की, ये तो वानखेड़े भाई साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, वानखेड़े सेकंड मोस्ट पेस्ड है, अपने डीवाई पाटिल पर मैच है तो इस पर सबसे ज़्यादा उछाल है डीवाई पाटिल के, बट सबसे स्लो पिच है, ठीक है भी आपको बता दिया मैंने।
और यहाँ पे बात करेंगे बाउंड्री डायमेंशंस के सामने की बाउंड्री 82 मीटर स्क्वायर बाउंड्रीज 72 और 75 मीटर है। स्टेडियम का व्यू देखना, ऐसा स्टेडियम दिखता है, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है। चलेंगे स्टैट्स की तरफ। इस वाने के ऊपर पंजाब किंग्स 4 मैच के लिए 2 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। दिल्ली कैपिटल्स 5 मैच के लिए 2 मैच जीती है, 3 मैच हारी है। अब देखो यहाँ पर जो टीम बैट फर्स्ट आपको बता दिया, 8 मैच जीती आउट ऑफ 18 गेम्स। औसतन एवरेज स्कोर मतलब औसतन स्कोर 150 के आसपास बनता है, 180 तक जाता है। लास्ट 18 मैच में क्या हुआ है, पेसर्स ने 156 विकेट निकाले, पहली पारी के अंदर 83, दूसरी पारी के अंदर 73 है। तो पेसर्स को दोस्तों यहाँ पे दोनों पारी में लगभग बराबर की मदद मिलती है, बस पहली पारी में एडवांटेज रहता है कि आप डेथ ओवर तक गेंदबाजी करते हो। दैट्स वाई राइट आर्म पेसर 115 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर 41 विकेट्स है। स्पिनर्स की बात करते हैं, लास्ट 18 मैच के अंदर इस साल IPL के अंदर स्पिनर्स ने 60 विकेट निकाले, पहली पारी में 28 है, दूसरी पारी के अंदर 32 है। ऑफ स्पिनर्स के 25, लेग स्पिनर्स के 22, लेफ्ट आर्म चेनामैन का 2, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 11 विकेट है। तो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था 11 मई को, RR वर्सेस DC के बीच में मैच था, 6 विकेट पेसर्स का था, 1 विकेट वहाँ पे स्पिनर का था। न्यूज़ की बात करते हैं, कोई दोस्तों यहाँ पे बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही है। दोनों टीम्स ने आपस में 29 मैच खेले हैं, पंजाब जीती है 15, दिल्ली जीती है 14। टक्कर का दोस्तों मैच है, दोनों टीम्स के लिए कह सकते हैं नॉकआउट मैच है। जो टीम हारी भाई साहब IPL से टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा उसका। पंजाब किंग्स शिखर धवन ओपन करेंगे, जॉनी बेयरस्टो आएंगे, यहाँ पे आएंगे बनु का राजपक्षा, लियाम लिंगस्टन, मयंक अग्रवाल कप्तान साहब नीचे आ रहे हैं। बहुत दोस्तों देख के अच्छा लगा, अपने आप को डी प्रमोट कर रहे हैं, सेल्फिश वाली चीज़ें नहीं कर रहे हैं, क्लास प्लेयर हैं मयंक अग्रवाल, बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। जितेश शर्मा आ सकते हैं ऊपर, लेकिन फॉर्म इनका कंसर्न था तो उन्होंने अपने आप को नीचे पुश कर दिया, कहा कि भाई टीम की ज़्यादा ज़रूरत है। जॉनी बेयरस्टो को टॉप ऑर्डर के ऊपर, फिर भानु का राजपक्षा है, लियम आए, फिर देखो यहाँ पे मयंक अग्रवाल, जितेश शर्मा, ऋषि धवन, हरप्रीत बरार, यहाँ पे ककिशोर रबाड़ा, राहुल चहर और हरदीप सिंह आपको देखेंगे, लेजेंडरी बॉलर यार हरदीप सिंह। दिल्ली कैपिटल्स पृथ्वी शॉ, वार्नर, पृथ्वी शॉ इज एक्सपेक्टेड टू कम बैक, अगर नहीं आते हैं तो स्टिकर पर आ जाएंगे। मिचेल मार्श है अलग लेवल का प्लेयर, ऋषभ पंत, रोहन पॉल, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल, कुलदीप यादव, एनरिच नौकिया, खलील अहमद यादव, फिर चेतन साकरिया। दोनों टीम जब खेलती है तो क्या होता है, जब शिखर धवन खेलते हैं दिल्ली के खिलाफ, भाई साहब एक्स प्लेयर है दिल्ली के, 16 मैच 531 रन 35 की औसत है। बैट फर्स्ट 11 मैच 362 रन 33 की औसत है। चेस के ऊपर 5 मैच में 169 रन 42 की औसत है। जॉनी बेयरस्टो वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स 5 मैच 189 रन 38 की औसत है। दैट फर्स्ट 53-9, चेस के ऊपर 48-41-38। राजपक्षा इस टीम के खिलाफ नहीं खेले, आएंगे लियम लिंगस्टन, इस टीम के खिलाफ में अटकते हैं। 14 बैट फर्स्ट है, 1 चेस के ऊपर है और यहाँ पे 2 बैट फर्स्ट है। मयंक अग्रवाल का 12 मैच में 358 रन है, 36 की औसत है। पहली पारी के अंदर 7 मैच में 237 रन 39 की औसत है। दूसरी पारी में 4 मैच में 121 रन 30 की औसत है। यहाँ पर आएंगे जितेश शर्मा, 32 बैट फर्स्ट है। ऋषि धवन का 3 मैच में 8 रन 1 विकेट है अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। हरप्रीत बरार हर बार बॉल सेकंड कह रहा है, जब भी दिल्ली के खिलाफ खेला है उसके अंदर 1 मैच में दो मैच में 1 विकेट है। विद द बैट 24 रन ही कैन बैट। आप सोचो हरप्रीत बरार को ऋषि धवन के ऊपर भेजा जा रहा है। रबाड़ा 0 विकेट बॉल सेकंड एक्स प्लेयर है। राहुल चेहर का 6 मैच है, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड है 4 मैचों में 5 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लस गए। हरदीप सिंह 3 मैच में 1 विकेट है, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 0, बॉल सेकंड 2 मैच में 1 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेट लस गए। संदीप भाई का 15 मैच में 18 विकेट है। स्टार्टिंग हरदीप सिंह, ऋषि धवन, हरप्रीत बरार, रबाड़ा। डेथ के अंदर हरदीप सिंह, रबाड़ा आपको देखेंगे, कभी कभी आपको ऋषि धवन भी दिख सकते हैं अगर इनका दिन बात हो। पृथ्वी शॉ 8 मैच 159 रन है, 20 की औसत है। यहाँ पर पंजाब किंग्स के खिलाफ पृथ्वी शॉ की बैट फॉर 7-5, इसके ऊपर 39-32-22-13-0, लास्ट टाइम 41 की नॉक आई थी, 9 विकेट से दोस्तों दिल्ली जीती थी। वहाँ पर पृथ्वी शॉ का 41 की नॉक थी, डेविड वार्नर ने कुछ 60 बनाए थे। तो देखो यहाँ पर डेविड वार्नर 22 मैच खेले हैं किसके खिलाफ, पंजाब किंग्स के खिलाफ, और 53 की औसत है, 1105 रन है। समझ रहे हो आप दोस्तों कितनी यार बड़ी बात होती है 1000 रन बनाना किसी भी टीम के खिलाफ। हेड्स ऑफ। बैट फर्स्ट 11 मैच 630 रन 70 की औसत है। चेस के ऊपर 37 की औसत है, 11 मैच में 375 रन है। लास्ट टाइम 60 की नॉक आई थी। मिच मार्च 3 मैच 32 रन है, बैट फर्स्ट 15, चेस के ऊपर 15, 2 विकेट्स हैं। ऋषभ पंत का 12 मैच में 173 रन 17 की औसत है। बैट फर्स्ट 5 मैच 91 रन है, चेस के ऊपर 6 मैच में 82 रन है।
ललित यादव का दो मैच में 12 रन और 2 विकेट हैं। रोहन पॉवेल यहाँ पे चेस करते हुए बैट नहीं करे थे इस टीम के खिलाफ। अक्षर पटेल का 5 मैच में 7 विकेट है। लियम लिंगसन को आउट करा था। फंसाते हैं दोस्तों अपनी गेंदबाजी से ये। बॉल फर्स्ट 5 विकेट है 3 मैचों में। बॉल सेकंड 2 मैच में 2 विकेट है। एक भी बार विकेटलेस नहीं गए हैं जब भी ये पंजाब के खिलाफ खेलते हैं। एक्स प्लेयर है पंजाब किंग्स के। शार्दुल ठाकुर 8 मैच में 13 विकेट है। बॉल फर्स्ट 7 मैच में 10, बॉल सेकंड 1 मैच में 3 विकेट है। 2 मैच के अंदर विकेटलेस गए हैं। कुलदीप भाई का 5 में 5 विकेट है। बॉल फर्स्ट 2 मैच में 4, बॉल सेकंड 3 मैचों में 1 विकेट है। 2 मैच के अंदर विकेटलेस, दोनों बार बॉल सेकंड। हेनरिक नोकिया 1 मैच में 0 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए। खलील अहमद का 6 मैचों में 10 विकेट है। बॉल फर्स्ट 4 मैच में 5, बॉल सेकंड 2 मैच में 5 विकेट है। 2 मैच के अंदर विकेटलेस भी गया ये। चेतन सकरे का यहाँ पे 2 मैचों में 4 विकेट है। बॉल फर्स्ट 3 विकेट, बॉल सेकंड 1 विकेट है। मुस्ताफिजुर का 5 मैच में 4 विकेट है। स्टार्टिंग ओवर खलील यादव, चेतन सकरिया, शार्दुल, मुस्ताफिजुर, हेनरिक नोकिया, सेम फॉर डेथ ओवर। बात करेंगे वैन स्टैट्स की। जब डीवाई पाटिल स्टेडियम के ऊपर मैच में तो क्या हुआ है। पंजाब किंग्स मयंक अग्रवाल यहाँ पे 32 रन के ऊपर है, चेस करते हुए बैट नहीं करा। शिखर धवन का 8 मैच में 162 रन है। बैट फर्स्ट 12-8-8, चेस के ऊपर 1-0-28-43-62 नॉट आउट लास्ट टाइम आया था इनका ये। गुजरात टाइटन्स आई थिंक वो टीम थी। जॉनी बैरिस्टो 12 बैट फर्स्ट 1 चेस के ऊपर है। रजत पक्ष यहाँ पे हर बार 40 के ऊपर स्कोर्स बना चुके हैं। हम 2 बार 43 चेस के ऊपर आरसीबी के खिलाफ और 40 लास्ट टाइम कराई था। लियम 19 चेस के ऊपर 60 बैट फर्स्ट 30 नाबाद आया था दोस्तों गुजरात टाइटन्स। मोहम्मद शमी के खिलाफ 117 मीटर का छक्का। यही वैन्यू यहाँ पर जब इस मैदान पर लियम लिंगसन उतरेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। एक विकेट भी निकाला था वहाँ पर जितेश शर्मा, 11 है बैट फर्स्ट। आई थिंक मिलर का आउट करा था लियम लिंगसन जितना मुझे याद आ रहा है, ऑफ स्पिन डाल के। जीतू भाई यहाँ पे 2 मैच में 11 रन है। हरप्रीत बरार का 0 विकेट है। बॉल फर्स्ट किया था आरसीबी के खिलाफ पहले मैच में। ऋषि धवन 1 विकेट है बॉल फर्स्ट। रबाडा का 1 विकेट बॉल सेकंड, 4 विकेट बॉल फर्स्ट। राहुल चेर का 1 विकेट बॉल फर्स्ट, 2 विकेट बॉल सेकंड, 0 विकेट बॉल फर्स्ट। हरदीप सिंह 1 विकेट बॉल फर्स्ट, 0 विकेट बॉल सेकंड, 1 विकेट बॉल फर्स्ट। संदीप भाई का 2 मैचों में दोनों में विकेट लेस गए। दिल्ली कैपिटल्स पृथ्वी शॉ 61 बैट फर्स्ट है। डेविड वार्नर का 4 मैच में 121 रन है। बैट फर्स्ट 4, चेस के ऊपर 46-19-52 नाबाद। मिच मार्श 4 मैच में 137 रन, 1 विकेट है। बैट फर्स्ट 37-11, चेस के ऊपर 25 और राजस्थान के खिलाफ 89 की नॉक आई थी। चलते हैं ये दोस्तों 3 विकेट कर लो इसको, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे इन्होंने 2 विकेट भी निकाला था राजस्थान के खिलाफ। ऋषभ पंत 39 यहाँ पे नाबाद बैट फर्स्ट, फिर 21 बनाए और लास्ट टाइम 13 नाबाद करा था राजस्थान के खिलाफ जितना मुझे याद है। आप खुद देख सकते हो दोबारा स्टैट्स। रोहन पॉवेल 3 मैचों में सिर्फ 6 रन है। ललित यादव के यहाँ पे 2 मैच में 1 विकेट है। अक्षर पटेल के यहाँ पे 3 मैच में 1 भी विकेट नहीं है। शार्दुल का 3 मैच में 1, खलील अहमद का 2 विकेट बॉल फर्स्ट। कुलदीप यादव के यहाँ पे 3 मैचों में 2 विकेट है। हेनरिक नोकिया का यहाँ पे 5 विकेट है 3 मैचों में, 1 मैच के अंदर विकेट लॉस भी है। चेतन सखरे का 2 विकेट है बॉल फर्स्ट, अगेंस्ट राजस्थान आया था वो। मैचअप्स प्लेयर बैटल पृथ्वी शॉ का स्ट्रगल है राहुल चेर के सामने। दोनों बार दूसरी पारी में आउट करा, 8 गेंद में मात्र 5 रन दिया है। डेविड वार्नर वर्सेस रबाडा 195 बॉल 251 रन, 5 बार आउट करा, 5 बार दूसरी पारी में। संदीप ने भी 2 बार आउट करा इनको, पहले इनके टीम में रह चुके हैं वो, SRH के लिए खेलते थे तब। मिच मार्श वर्सेस रबाडा 26 गेंद 50 रन, 1 बार आउट कर चुके हैं। ऋषभ पंत वर्सेस संदीप 24 गेंद 23 रन, 1 बार आउट हो चुके हैं। चलेंगे यहाँ पर अपन पंजाब की तरफ। शिखर धवन का मैचअप बनता है यहाँ पर शार्दुल के सामने। 44 गेंद 69 रन, 2 बार आउट करा, दोनों बार दूसरी पारी में। कुलदीप ने 2 बार फंसाया शिखर धवन को, 37 गेंद में 34 रन देंगे। लास्ट टाइम ललित यादव ने बोल्ड करा था, 4 गेंदों में 6 रन देंगे। फंसाते हैं दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा। मैक्सवेल ने भी एक बार फंसाया था इनको, याद हो तो आपको, शिखर धवन को ऑफ स्पिन के सामने एक बॉल तेज डालता है ऑफ स्पिनर, फिर एक बॉल देह में डाल के लटका देता है, ऐसा इनका सिनेरियो है। जॉनी बैरिस्टो और शार्दुल ठाकुर 70 गेंद 100 रन, 3 बार आउट करा, तीनों बार दूसरी पारी में। खलील अहमद ने 90 गेंद में 123 रन देके 3 बार आउट करा, तीनों बार पहली पारी में। राजपक्षे वर्सेस कुलदीप यादव और चेतन सकरिया, एक एक बार आउट कर रखा है। लियम लिंगसन वर्सेस अक्षर पटेल, लास्ट टाइम इन्होंने आउट करा था, 2 गेंद 1 रन, 1 बार आउट करा। शार्दुल ने 13 गेंद में 12 रन देके 1 बार आउट करा। मयंक अग्रवाल वर्सेस मुस्ताफिजुर 14 गेंद 19 रन, 1 बार फंसा है। शार्दुल ने 16 गेंद में 27 रन तक 1 बार आउट करा। सकरिया ने 11 में 11, खलील अहमद ने 9 में 9। शाहरुख खान वर्सेस खलील अहमद 8 गेंद 4 रन, 2 बार आउट करे, दोनों बार पहली पारी में। कॉमन कैप्टन डेवी वार्नर, लियम लिंगसन, बड़ी लीग्स में बनाओ
डेविड वार्नर, मिच मार्श, जॉनी बैरिस्टर, शिखर धवन अलग जाना, ऋषभ पंत रहेंगे, लिम लुक्सन, पृथ्वी शॉ। बात रहेंगे ड्रीम इलेवन टीम की, कैप्टन वाइस कैप्टन है मिच मार्श, डेविड वार्नर, यहाँ पर जॉनी बैरिस्टर दिखेंगे, ऋषभ पंत दिखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने खलील अहमद को ले रखा है, यहाँ पे एंड्रयू चिनॉकिया है, राहुल चेर है, रगबाड़ा है बॉलिंग सेक्शन में। चलते हैं बड़ी लीग्स में, क्या करना है, घबराना नहीं है। पहली बात तो सब हो ही कहूँगा मैं, अगर लाइफ में कुछ बड़ा पाना है ना तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं करा हो। टू गेट समथिंग यू नेवर हैड देन यू हैव टू डू समथिंग दैट यू नेवर डन इन द पास्ट, तभी तो दोस्तों आपके रिजल्ट बदलेंगे जब आप अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे। अगर वही सेम चीज़ करोगे वही रिजल्ट्स मिलेंगे। रिस्क लेने से नहीं डरना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जॉनी बैरिस्टर टॉप मोस्ट पे करेंगे, जब फॉर्म में आते हैं जॉनी भाई तो जॉनी जॉनी, यस पापा हुआ है यहाँ पे। ऋषभ पंत इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छी टेक्निक है, बस सिस्टम के खिलाफ थोड़ी सी कम औसत था पंजाब के खिलाफ, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देनी थी। पंजाब के खिलाफ ऋषभ पंत का बल्ला बहुत कम बोला है, लगभग ना के बराबर। देखते हैं इस मैच में क्या करते हैं, क्या स्टैट्स टूटेंगे या फिर स्टैट्स बरकरार रहेंगे। डेविड वार्नर इंपॉर्टेंट है, धवन दोस्तों एक अच्छे खिलाड़ी हैं जो कभी भी मैच का रूप बदल सकते हैं, ओपन करते हैं। रॉबन पॉवेल, अगर पृथ्वी शॉ खेलते तो आप पिक कर सकते हो, राजापक्षा को आप पिक कर सकते हो, सनी बच्चा खेलते हैं, मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी पृथ्वी शॉ नहीं खेलते हैं, राजापक्षा, उसके बाद रॉबन पॉवेल। मैं अग्रवाल बताऊँ कब आएंगे, अगर शिखर धवन और जॉनी बैरिस्टर ओपन करेंगे ना, अगर दोनों में से किसी का जल्दी गिर गया पहले दो ओवर के अंदर या तीन ओवर मैक्सिमम, तो भाई साहब आ जाएंगे कौन, यहाँ पर है मयंक अग्रवाल, पर जल्दी विकेट गिरना चाहिए। इस सिनेरियो के हिसाब से आप मयंक अग्रवाल को पिक कर सकते हो, टॉप ऑर्डर में से किसी एक प्लेयर को जरूर ड्रॉप करना, देन यू कैन पिक मयंक अग्रवाल। लियम लिंगस्टन इंपॉर्टेंट रहेंगे, बस दिल्ली के खिलाफ आज तक बल्ला नहीं बोला है और पसंद है मैदान। मिच मार्श यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के प्रबल दावेदार। ऋषि धवन आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अक्षय भाई पता नहीं दोस्तों कब चलेंगे यहाँ पे, बहुत ही खराब सीजन गया है वाला, एक दो टीम में रोटेट कर सकते हो, पंजाब इनको पसंद आ सकती है, एक्स प्लेयर हैं, स्टैट्स अच्छे हैं। रबाड़ा इंपॉर्टेंट है, कुलदीप दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड्रयू चिनॉकिया मुझे इंपॉर्टेंट लगे, राहुल चेर इंपॉर्टेंट लगे, खलील अहमद इंपॉर्टेंट लगे। ग्रैंड लीग में शार्दुल ठाकुर, हरदीप सिंह बॉल फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, दो या तीन ओवर डेथ में डाल लेते हैं, 15-17-19 ऐसे होता है कभी कभी। तो और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन, सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा। तो देखते रहे स्टार्ट शुरू थी, आप होते मैं हूँ, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।